आइए दोस्तों, मैं इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्रदान करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत सुधार से आप क्या समझते हैं, सुधार क्या है। दोस्तों, सुधार से किसी खाते के संदर्भ में अभिप्रेत है कोई ऐसा संकर्म जिससे खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है, जो खाते के लिए उपयुक्त है तथा उस प्रयोजन से संगत है जिसके लिए खाता धारित है, और जो यदि खाते पर निष्पादित न किया गया हो तो वह तो प्रत्यक्षता उसके फायदे के लिए निष्पादित किया गया है, या निष्पादित किए जाने के पश्चात उसके लिए प्रत्यक्षता फायदाप्रद बना दिया गया है और पूर्वगामी बंधों के अध्याधीन रहते हुए उसके अंतर्गत है। दोस्तों, सुधार का आशय शाब्दिक अर्थ में किसी निर्माण से संबंधित है, जैसे कृषि प्रयोजनों के लिए जल के संग्रहण, प्रदाय या वितरण के लिए तालाबों, कुओं, जल सरणियों, बांधों तथा अन्य संकर्मों का सन्निर्माण। दोस्तों, सुधार किसी निर्माण कार्य से है, जल निकास के लिए मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कार्य जो पब्लिक हित में हो वह जो है सुधार कहा जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत सुधार एक निर्माण कार्य से है। इसका स्पष्टीकरण किसी ऐसी संकर्म को जिससे विभिन्न खातों को फायदा पहुंचता है, ऐसे खातों में से प्रत्येक खाते के संबंध को सुधार समझा जाएगा। दोस्तों, इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत सुधार के संबंध में जानकारी प्रदान किया। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। कानून का जानकार व्यक्ति बने, नए नए कानून की जानकारियां लेते रहें, सुंदर भारत निर्माण में अपना विशेष योगदान प्रदान करें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।